नहीं खाई होनी रहने दे रहा। हाँ इन पकड़ते होने वाह वही शेर हो तू इसकी हाल चाल। तो आशा है सभी बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे और भाई आपका बिल्कुल बढ़िया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। अभी के बज रहे हैं 12 एंड दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम बनाएंगे अभी पुलाव जो कि नमकीन चावल बोलते हैं उसको। तो अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं हम और क्या प्रोसेस रहता है। और चलिए फिर बनाते हैं। तो गाइस सामान जो हमने रेडी कर लिया है ये चावल एंड ये आलू है इसको अभी काटेंगे। और ये बढ़िया मैंने भिगोने के लिए रख दी है एंड ये प्याज जो है मैंने काट के रख लिया है। धनिया जो है हम लास्ट में डालेंगे और टमाटर। और ये रहा कुकर और अभी हम बनाने की तैयारी करते हैं पुलाव बनाने की। तो चलिए फिर बनाते हैं पुलाव। और ये देखिए तेल गर्म हो चुका है अब हम इसमें जीरा डालते हैं। तो गाइस ये चावल हैं और ये आलू। चावल ये बासमती लग रहे हैं डीपू वाले चावल हैं ये मेरे को लग रहे हैं। और ये न्यूट्री है गाइस एंड धनिया और ये मसाला कुछ तड़का लग रहा है इस तरह से। यानी पर मिर्ची कम डाली मेरे हिसाब से मिर्ची ज़्यादा डालनी चाहिए इनको। धू निकल जाएगा कहीं से कुछ नहीं निकलेगा। धुइया बांधे जा रही है। हाँ हरी मिर्च डाल दीजिए आप प्लीज़ 5-6 मिर्च डाल दीजिए आप। जब तक खाने का यार मज़ा ना आए ना मतलब आंसू ना निकले खाना खाते टाइम तो मज़ा क्या खाना खाने का। तो भाई न्यूट्री डाल चुकी है अभी अब डालने जा रहे हैं आलू चावल। इनको डालने ही नहीं आते कच्चे कुक हैं इनको पता नहीं आता इनको कुछ। मेरे को लगता है इनको कुछ बनाने भी आता होगा। तो ये अभी डाल रहे हैं चावल। तो गाइस चावल डल चुके हैं प्रॉपरली पूरे एंड उसके बाद अब बस थोड़ा सा इसको मिक्सअप करके पानी डाल के और फिर हम लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन और हो जाएगा खाने के लिए तैयार। और खाना बता फॉर्च्यून का तेल यूज़ कर रहे हैं देखिए कितने फॉर्च्यून ऑयल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये बन गया देसी जुगाड़ विद देसी पुलाव और इसमें पानी डाला जाएगा। ये गंदा पानी है ओह सॉरी तो पता नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ इसको पता नहीं लगता मेरे को लगता है इसको खाना बना फर्स्ट टाइम ये कुकिंग कर रहा है मेरे को लग रहा है। ये रहा साफ तो गाइस और डालिए अभी इसमें इतने से क्या होगा पहले हिला तो लेते हैं कुछ नहीं होता तो बाद में हिल जाएगा जब पूरा पानी डल जाएगा। इसमें क्या हो गया गाइस ये मेरे को ना पता नहीं कैसे क्या बोले अब इनको बहुत नखरे करते हैं लोग ये। तो गाइस अब आप पानी कैसे चेक करेंगे जुगाड़ लगा के। ये ना बहुत कौड़ी बंदा है देखिए इसने हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डाली है अब नहीं डालनी अब रहने दो देसी हल्दी है स्वाद खराब हो जाएगा। पता नहीं गाइस मैं इसको कितनी बार बोलता हूँ यार दिल खुला रखा कर ये थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डालता है। इसको मैंने कहा था मटर डाल दो बोलता नहीं 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 डालेंगे अब नहीं डालेंगे मटर अभी उग रहे हैं खेतों में। पानी देखो आप पानी ठीक है कि नहीं है गाइस देसी जुगाड़ होगा चेक करने का कम है अभी कम है। सो गाइस आप मतलब उंगली की जो ये पार्ट होता है ना इतना पानी आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया अब काफ़ी। सो गाइस ये तो मत मैं बोल रहा हूँ मत डाल स्वाद नहीं आएगा फ़ायदा क्या होगा देसी हल्दी है ओ भाई देसी हल्दी है यार तो पहले डाल देनी थी ज़्यादा तो पहले क्या हो रहा था डालने के लिए जुगाड़ बन गया। सो गाइस ये देसी घी डालने जा रहा है भाई ये डल गया कि देसी घी डालडा है डालडा नहीं है देसी घी। तो गाइस ये डल गया है देसी घी अब हम इसमें कर दिया है मिक्स देसी घी वाले पुलाव। आज की वीडियो का टाइटल देसी घी वाले पुलाव। तो गाइस चलो अब ढक्कन लगाते हैं ढक्कन लगाते हैं पुलाव ये बन के रेडी हो चुका है।
का सामान रखते हैं उधर और खाने का मज़ा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा बना खाना। और भाई लोग आए हैं तो उनको पूछते हैं कैसा बनाया है DRD ब्लॉग ने। तो आपको अच्छा लगेगा खाना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ शेफ इन DRD ब्लॉग एंड PAD ब्लॉग। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक तो शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। खाना जो है रेडी हो चुका है, अभी हम थाली लगा देंगे और खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा बना। और भाई लोग भी आए हैं ऊपर से तो उनको पूछते हैं किस तरह का कैसा बना खाना। तो चलो भाई खा लेते हैं फिर खाना। रोहित जी आ जाइए, दर्शन दीजिए। तो गाइस ये रहा थाली जो लग चुकी है और यही तो लॉजिक होता भाई, आपको यही नहीं पता। तो भाई कैसा बना खाना? ठीक है सर, खा लेते हैं हम भी। तो हम भी खा लेते हैं। तो गाइस खाना हमने खा के फिनिश कर दिया और अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है और उसके बाद करेंगे ब्लॉग को ख़त्म। तो बाइक हो चुकी है ख़राब, क्लच की तार टूट गई है, अब इसको चढ़ाई तक मेन सड़क तक ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो हम भी धक्का लगाते हैं, अब वीडियो में बाद में मिलते हैं। चलिए फिर क्लच की आप देख सकते हैं गया टूट और ये हमारे को चेहरे और धक्का लगा के जाना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको जाती बार दिखाते कितनी उतराई थी, इमेजिन कर सकते कितनी चढ़ाई पर बाइक चढ़ानी पड़ रही है। भाई साहब हाल हाल बेहाल होता हुआ, तो यहाँ से 10 किलोमीटर पता नहीं कैसे लेके। इस बाइक हमने भेज दी रिपेयर करवाने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे और हमें अभी पता भी नहीं है। और दूसरा बाइक गया साथ में और मैं गया घर, तो काफ़ी मेहनत लगी ऊपर तक पहुँचाने में, धक्का मार के ऊपर। आज तो PAD ब्लॉग को हमारे चावल खाने महंगे पड़ गए। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहें और प्यार दें। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।